नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो हम लोग पहले कर चुके हैं ना तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे फाइव प्लस टू रूट थ्री को लेट फाइव प्लस टू रूट थ्री इज रैशनल नंबर ठीक है ना तो फाइव प्लस टू रूट थ्री को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम मीन्स इक्वल्स टू वन है ठीक है ना उसके बाद टू रूट थ्री को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे फाइव प्लस में है और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा ठीक है ना तो रूट थ्री लेफ्ट साइड में ही रहेगा टू मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो वन लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे वन अपॉन में टू आ जाएगा और ब्रैकेट में ए अपॉन में भी माइनस का फाइव आ जाएगा ठीक है ना उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे कि हेयर रूट फाइव कैसा है इज अ रैशनल नंबर क्यों क्योंकि राइट साइड क्या है रैशनल है सिंस आर सो वन अपॉन मे टू ब्रैकेट में ए अपॉन में बी माइनस का फाइव इज अ रैशनल नंबर ठीक है ना बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज एन इेशनल नंबर लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट थ्री एक इेशनल नंबर है हिंस आवर इज इज रॉन्ग एन नंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ देन इज़ ठीक है ना तो सॉल्यूशन हम लोग इस वाले सॉल्यूशन नंबर टेन को लिख देंगे कि था हमें। क्या गिवन था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अपॉन में ट्वेंटी फाइव स्क्वायर हटता है तो इसमें क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री का अलग रूट करेंगे और ट्वेंटी फाइव का फैक्टर करके हम लोग लिख देंगे फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी थ्री एक इेशनल नंबर है लेकिन यहाँ पे दो पेयर बन चुका है पेयर के बदले एक बाहर आ जाएगा ठीक है ना तो रूट थ्री रूट ट्वेंटी थ्री जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये किसी रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है जब भी कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से डिवाइड होता है तो फाइनल आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है ठीक है ना तो ये ए जो है वो कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है कि टू माइनस रूट थ्री इज एंड इेशनल प्रूव करके दिखाना है ठीक है ना तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग कि लेट टू माइनस रूट थ्री इज अशनल नंबर तो टू माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ए अपॉन में बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम मीन्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे माइनस का रूट थ्री होगा ये इक्वल हो जाएगा ए अपॉन में बी ये प्लस का टू है इधर आके माइनस का टू हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का रूट थ्री माइनस टू को पहले लिख देंगे प्लस में ए अपॉन में बी हो जाएगा ठीक है ना तो माइनस का रूट थ्री इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और रूट थ्री किसके इक्वल हो जाएगा टू माइनस ए अपॉन में बी के हेयर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर सिंस ए कॉमा बी आर इंटीजर्स सो टू माइनस ए अपॉन में बी इज अ रैशनल नंबर हो जाएगा ठीक है ना बट दिस द फैक्ट देट रूट थ्री इज एंड इेशनल नंबर ठीक है ना हिंस आवर अजम्पन इज इन करेक्ट दस टू माइनस रूट थ्री इज एंड इेशनल ठीक है ना तो ये ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के जो हैं वो रिपीटेड है तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रूट वाले टर्म को एक साइड और बाकी सारे टर्म को एक साइड लिखना होता है उसके बाद नीचे हमें एक्सप्लेन करना होता है ठीक है ना और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कंप्लीट प्रूफ करना पड़ता है कि रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव कैसे इैशनल नंबर हैं वो थ्री मार्क्स में पूछा जाता है और ये भी आपके पेपर में थ्री मार्क्स में ही पूछा जाता है ठीक है ना तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से ताकि चैप्टर वन हमें अच्छे से कंप्लीट हो पाए ठीक है